नमस्कार, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंगराज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। और भोपाल अवैध शराब तस्कर चढ़े गांधीनगर पुलिस के हत्थे, दो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, बोलेरो गाड़ी से कर रहे थे तस्करी। पुलिस ने गाड़ी समेत 9 लाख का माल किया जब्त। तस्करों से पुलिस की पूछताछ जारी। मुखबिर की सूचना पर एसीपी निषादपुरा के नेतृत्व में गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अरुण शर्मा, आर रामभारत, सुमन आर, युवराज सिंह, राहुल सिकरवार और आर भगवान सिंह मीणा की रही महत्वपूर्ण भूमिका। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता रेस खान की रिपोर्ट। मैडम, थाना गांधीनगर ने एक अवैध शराब तस्कर को पकड़ा है। मैम, कहाँ क्या कुछ मामला है, कहाँ से दारू लेके आते थे? गांधीनगर में एक बोलेरो गाड़ी में चेकिंग के दौरान हमें 28 लीटर शराब मिली थी, और जब उनसे उसकी बिल मांगे, जो मांगा गया, तो उनके पास मिला नहीं, तो अवैध शराब थी और 9 लाख करीबन के माल था, और ये भोपाल शहर में जो सोम कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वहीं से लेकर आए थे। आरोपी कौन था मैडम, कहाँ का रहने वाला था आरोपी? आरोपी भोपाल के ही रहने वाले हैं, भोपाल में ही करते हैं जॉब। लगभग मैडम आरोपी की उम्र कितनी थी? 25 से 30 साल। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।